नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रेशम खान और स्वागत है आप सभी का इन 27 न्यूज। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे कैंप के विधायक संजय शिरसाट के बयान ने शिवसेना के दोनों गुटों में चिंगारी भड़का दी। शिरसाट के बयान से शुरू हुई जुबानी जंग फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही। उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने शिरसाट को गद्दार और वल्गर कैरेक्टर बताते हुए निशाने पर लिया, तो वही आदित्य ठाकरे भी इस जंग में कूद पड़े। वहीं आपको बता दें, प्रियंका साल 2019 में शिवसेना में शामिल हुई थी और साल 2020 से वे राज्यसभा सांसद है। वहीं 31 जुलाई को संजय ने थाड़े में एक हिंदी भाषा सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आदित्य ठाकरे ने प्रियंका चतुर्वेदी की खूबसूरती देखी और उन्हें सांसद बना दिया। दरअसल शनिवार को उद्धव ठाकरे गुट ने उत्तर भारतीयों का सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सीएम एकनाथ शिंदे गुट पर जोरदार हमला बोला। इसके बाद एकनाथ शिंदे गुट के विधायक संजय शिरसाट ने प्रियंका चतुर्वेदी पर निशाना साधा। शिरसाट ने कहा कि प्रियंका चतुर्वेदी अपने भाषण में कहती है कि गद्दारों की कोई माफी नहीं, जबकि वो खुद कांग्रेस को धोखा देकर शिवसेना में आई और हमें गद्दार कह रही है। इसी दौरान मीडिया से बातचीत में संजय शिरसाट ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि एक बार शिवसेना नेता चंद्रकांत खैरे ने कहा था कि आदित्य ठाकरे ने प्रियंका चतुर्वेदी की खूबसूरती देखकर उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया। संजय शिरसाट ने कहा कि प्रियंका चतुर्वेदी का हमें गद्दार कहना एक बड़ा मजाक है। वहीं अब उनके इस बयान पर शिवसेना गुट भड़क गया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने भी संजय शिरसाट को आड़े हाथों लिया। प्रियंका चतुर्वेदी ने एक ट्वीट कर शिरसाट को खूब खरी खोटी सुनाई और कहा कि उन्हें ये बताने के लिए किसी गद्दार की जरूरत नहीं है कि वे कैसी दिखती है और जहां है वहां क्यों है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिरसाट ने 50 बक्सों के लिए अपनी आत्मा और ईमानदारी बेच दी। वे राजनीति और महिलाओं पर अपने विचार के व्यापक बीमारी का एक आदर्श उदाहरण है और अपनी टिप्पणियों के जरिए वे अपना अश्लील चरित्र दिखाते हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला और कहा कि संजय शिरसाट ने अपने बयानों से अपना चरित्र दिखा दिया और इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है कि वे बीजेपी के साथ हैं। वहीं उधर आदित्य ठाकरे ने भी शिरसाट के बयान पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये उनकी बीमार मानसिकता है। उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे बीमार मानसिकता वाले लोग राजनीति में कैसे हैं। वहीं आपको बता दें, शिवसेना में शामिल होने से पहले प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता थी। पिछले साल एकनाथ शिंदे समेत 40 विधायकों की बगावत के बाद शिवसेना में फूट पड़ गई और पार्टी दो गुटों में बट गई। तभी से दोनों गुट एक दूसरे को लेकर बयानबाजी करते रहते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें N27 न्यूज। आप देख रहे हैं N27 न्यूज, पकड़ हर खबर पर।